हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू योर शो चेन रिएक्शन। मैं हूं चाविस। चेन रिएक्शन बनने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, हो जाएगी, आदत हो जाएगी। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले, डू यू नो कृति? यस, पृथ्वीराज सुकुमारन ट्रेलर रिएक्ट किया था हमने पुराने चैनल में, इसमें नहीं है वो ट्रेलर, आप नहीं देख पाओगे। नहीं है मेरे पास। ओके, सो ऑलरेडी हमने इसका ट्रेलर देखा था, रिएक्शन भी दिया था, अभी वो नहीं है। तो हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं इसके थीम सॉन्ग के ऊपर। ओके, फिल्म भी रिलीज हो चुकी है, फिल्म की बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। एंड आज इसका एक ये आया, थीम सॉन्ग आया, दैट्स कॉल्ड क्या है, फ्यूटिलिटी ऑफ हेट। ओके ओके, सो डेफिनेटली पृथ्वीराज सुकुमारन का हमने कापा भी रिएक्ट किया था, कापा भी नहीं है हमारे पास। ओके, सो स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द थीम सॉन्ग फर्स्ट, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। स्टार्ट। यस, ഓരോ ആത്മാവിനും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കട്ടപ്പാടെ പടച്ചോം കൊടുക്കും, അനക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും യാതനകൾ പടച്ചോം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അത് താങ്ങാൻ അനക്ക് ശക്തി ഇടുന്ന അർത്ഥം. രണ്ട് കാലിന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒന്നല്ല, നിർത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നേ തമ്പുത്തലും കൊല്ലരുത്. എവിടെ കണ്ടു ചെയ്താലും എല്ലാം കണക്കല്ല, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പട്ടിന് കിടന്നാലും കൂര തോർന്നാലും തുറന്നു പോയാലും വേണ്ടില്ല, മനുഷ്യന് ഒരു ശബ്ദവും തീർന്നു കണ്ടാൽ മതി.
Validate your pro. What a powerful video, yaar. All darkness. But unfortunately, था ऐसा ये नहीं थे हमारे पास. Subtitles इधर, but मुझे समझ में आया बहुत कुछ. वो कुरुती के बारे में जो देता ना कुर्बानी देता ना कुर्बान उसके बारे में था, वो कुछ समझा रहे थे और रात को शूट हुई है, वो कुछ ब्लड पाक कर रही है. ऑलमोस्ट द होल यू नो जितना फिल्म आई थिंक आधी से ज्यादा फिल्म ये रात को ही शूट हुई है. एंड ऑल्सो द प्लॉट हम लोगों ने ट्रेलर जब देखा तो हम लोगों को समझ में आया था कि दिस इज बेस्ड ऑन वन नाइट जहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स बहुत सारे लोग मरते हैं. आई थिंक यहाँ पर और कुछ समझ में आया यू नो कृति के नीचे था कि वो ये वो टू किल एंड ओथ टू प्रोटेक्ट. देखा तो आई थिंक जो प्रोटेक्ट करने का होता है द बियर्ड गाय आई डोंट नो हिज नेम उन्होंने किया है और जो मारने का होता है उन्होंने आई थिंक पृथ्वीराज सुकुमार ने लिया. आई थिंक यही चल रहा है. एंड या बहुत ही अमेजिंग आई थिंक कृति रिलीज हो चुकी है ना. ऑब्वियसली 1 week हो गया यार. हम लोग बेवकूफ अभी तक नहीं देखे. बट बहुत तारीफ सुनने को ऑल्सो द ओल्ड गाय जिन्होंने प्ले किया ना उनका भी नाम नहीं पता मुझे. उनकी तो इतनी तारीफ मिल रही है इतना कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया है उनकी तारीफ मिल रही है क्या पता है. सो डेफिनेटली आई एम प्लानिंग टू वॉच इट वेरी सून या कामों की वजह से यू नो इसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ. बट द म्यूजिक इज अमेजिंग. मनु वॉरियर आई थिंक ही इज द वन या गाय. म्यूजिक बाय जेम्स बिजो और गगा मैंने आई थिंक देखा है. सिंगर्स इज संगीता एंड एलन जॉय मैथ्यू. मास्टर प्रोड्यूस बाय ओके व्हाट्स इट. इट्स एन अमेजिंग थीम सॉन्ग एक्चुअली. बहुत अंदर घुसा दिया वो मूड में डाल दिया हमको कुरुती के. वो जो एक फियर होता है और एक जो प्रोटेक्शन करने का जज्बा होता है और एक सैडनेस होती है जो डर होता है खौफ होता है किसी चीज़ का रात में स्पेशली जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कई बार. तो वो फीलिंग को वो उस मूड को उस गूज बम्स को लाता है वो ये जो इन्होंने किया है. दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हाट दे हैव कम डन विद द म्यूजिक पार्ट. एंड ग्रेट मिक्सिंग बाय व्हाट इज नेम द मिक्सिंग हैज बीन डन रियली वेल. डैनियल माइंड स्कोर बोल के इनका शायद स्टूडियो है. अमेजिंग सॉन्ग अमेजिंग मूड सेट कर दिया उन्होंने. इट रियली वर्क दो वी नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट वी डिड अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग देयर इन द मूड एंड वी वर एक्चुअली इनटू द वीडियो व्हिच इज वेरी रेयर. मलयालम इंडस्ट्री में इतने ज्यादा सीन्स और इतने डायलॉग्स कभी भी नहीं दिखाते. ये फिल्म रिलीज हो चुकी है इसीलिए थीम सॉन्ग में इतना हमें देखने को मिल रहा है. और एल्स दे डोंट इवन गिव अ सिंगल स्पॉइलर. उस तरीके के बनाते हैं वो फिल्म. एंड ऑल्सो यू नो अगर बहुत बार मैंने आपको बोला है कि ट्रेलर में जो हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली फिल्म में देखने को नहीं मिलता. यहाँ पर बहुत सारे डायलॉग्स यूज किए गए हैं जो कि आई थिंक हमें समझ में नहीं आया बिकॉज ऑफ द सबटाइटल्स. ये अमेजोन में ऑफिशियली नहीं आया शायद अभी तक. एंड ऑल्सो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता इसके बारे में इस गाने के बारे में. ये आज शाम में आई थिंक 7 बजे आया है. तो हम लोग इसे अपलोड करेंगे कल या परसों में. 7 बजे आया तो अभी इसको लोग भी नहीं जानते ज्यादा. सो या दिस वॉज अमेजिंग वन. डेफिनेटली फिल्म देखने से पहले ये देखना बहुत जरूरी था बिकॉज एक रिएक्शन बनता था. एंड फिल्म तो हम जरूर देखेंगे बहुत जल्द. सो दिस वॉज अवर रिएक्शन कृति थीम सॉन्ग. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाबीस एंड मोहम्मद इनायत एंड चेन रिएक्शन साइनिंग ऑफ.